नो लाइफ इजी विदाउट पीजी। आपने ये वर्ड्स तो सुने होंगे, अपने रिश्तेदारों से सुने होंगे, पेरेंट्स से सुने होंगे। पहले तो ये मजाक था, यानी कि मजाक मजाक में बोल दिया करते थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे सच होने वाला है, यानी कि धीरे धीरे सच होते जा रहा है। MBBS करने के बाद में पीजी करना बेहद ही जरूरी हो गया है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि पीजी क्यों करना जरूरी हो गया है और इसकी तैयारी कब से शुरू करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जय हिंद। मैं हर्षाई चोपड़ा आपके ही अपने यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी जैसे ही MBBS पास आउट होते हैं स्टूडेंट इंटर्न के बाद में, तो उनके पास में एक प्रॉब्लम जरूर आती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, पीजी करना चाहिए या फिर जॉब करना चाहिए। ये प्रॉब्लम हर एक इंटर्नशिप करने के बाद में हर एक MBBS पास आउट स्टूडेंट को आती है। तो उनके पास में तीन रास्ते हैं, MBBS कंप्लीट करने के बाद में या तो वो अपने स्टेट में MO ज्वाइन कर लें, यानी कि गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लें अपने स्टेट में कर लें, या फिर जो अदर एजेंसीज हैं जैसे रेलवे हो गया, ESIC हो गया, आर्मी हो गया, कहीं भी वो मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन कर लें। पहला रास्ता तो ये है। दूसरा ये है कि वो कहीं JRC ज्वाइन कर लें, किसी भी इंस्टीट्यूट में JRC ज्वाइन कर लें। और तीसरा जो रास्ता है उनके पास में वो है पीजी की प्रिपरेशन करें। उसके पास में तीन ही रास्ते होते हैं, या तो वो सर्विस ज्वाइन करें या फिर पीजी की तैयारी करें। तो जब पीजी की प्रिपरेशन करेंगे तो मेरा मानना ये है कि आप इस समय इंटर्न करने के बाद में जब आप पीजी की तैयारी शुरू करेंगे तो लेट हो जाएंगे। आपको MBBS के साथ साथ ही पीजी की तैयारी करनी है। अभी देखो, पीजी में एडमिशन के लिए दो तरीके हैं, दो एग्जाम हैं इंडिया में। मैं एब्रोड की बात नहीं कर रहा, एब्रोड में तो USMLE एग्जाम है, या फिर आप किसी भी अदर कंट्री के लिए उनका अलग अलग अपना एग्जाम है। USMLE का मैंने वीडियो सेपरेट बना रखा है, और भी अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं बना दूंगा। इंडिया में हम पीजी एडमिशन की बात करेंगे, क्योंकि अभी आने वाले समय में MBBS करने के बाद अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। MBBS करने के बाद में कोई बेरोजगारी नहीं है, रोजगार आसानी से लग जाता है, लेकिन आने वाले समय में ये प्रॉब्लम आएगी। ये प्रॉब्लम इसलिए आएगी, हालांकि इंडिया में डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन कमी होते हुए भी गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं निकल रही है। अभी आने वाले टाइम में हर साल 1 लाख से ज्यादा बच्चे MBBS के पास आउट होंगे, तो इतनी सारे जॉब नहीं है, प्राइवेट सेक्टर्स में इतना जल्दी उनके पास में एक्सपीरियंस नहीं रहता है, तो ये प्रॉब्लम तो आएगी अभी आने वाले समय में। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले समय में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए फिर मैं उसी पॉइंट पे आता हूं कि आपको पीजी करना क्यों जरूरी है। इसके बाद अगर आप पीजी की प्रिपरेशन करते हैं तो इंडिया में दो तरीके से पीजी का एग्जाम देकर के आप एडमिशन ले सकते हैं पीजी कोर्सेज के लिए। तो इसमें एक एग्जाम तो होता है नीट पीजी, जो आप सभी जानते हैं। नीट पीजी का एग्जाम NBE कंडक्ट करवाता है, और ये साल में एक ही बार एग्जाम होता है, नीट पीजी का। इसके बाद में दूसरी जो एग्जाम है वो है INI CET। ये साल में दो बार एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है, एम्स दिल्ली के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है। इसमें पीजी के लिए सारे जो नेशनल इम्पोर्टेंस के जो इंस्टीट्यूट हैं वो आते हैं, सारे के सारे इसमें जो इंस्टीट्यूट आते हैं वो इंस्टीट्यूट हैं एम्स। एम्स के पहले इसमें 8 इंस्टीट्यूट ही शामिल होते थे, ये जनवरी सेशन के एग्जाम तक, लेकिन अभी जो जुलाई की जो सेशन की जो काउंसलिंग होगी, एडमिशन होगा, उसमें 12 एम्स के लिए होगा। इसके बाद में जिपमर के लिए होगा, इसमें जिपमर पुडुचेरी के लिए होगा। और तीसरा जो नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट है वो है PGI चंडीगढ़। इसके बाद में जो निमहंस बेंगलोर है और SCT त्रिवेंद्रम है। तो ये 5 इंस्टीट्यूट हैं जिनके लिए एडमिशन के लिए, पीजी एडमिशन के लिए INI CET यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस कंबाइंड इंट्रेंस टेस्ट एग्जाम लिया जाता है, जो साल में दो बार होता है और इन 5 इंस्टीट्यूट के लिए होता है।
तो इसमें अगर हम इसके एग्जाम की बात करें तो ये इसमें सीटें कम हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट कम है तो सीटें कम हैं, और सीटें कम हैं तो इसमें थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है एडमिशन के लिए, पेपर थोड़ा टफ होता है। एम्स दिल्ली द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, एम्स पीजी को रिप्लेस करके आईएनसीटी का एग्जाम हुआ है। अब इसमें भी थोड़ी सी क्या है कि पहले तो काफी ज्यादा कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी मई महीने से जब सुप्रीम कोर्ट में इसमें रिजर्वेशन सिस्टम लागू किया है तब से इसमें रिजर्वेशन भी होगा, इंस्टीट्यूशनल कोटा भी रहेगा। जो पुडुचेरी जिपमर में हुआ करता था, रोस्टर सिस्टम हुआ करता था, वही रोस्टर सिस्टम इसमें लागू होगा। आप पहले सुनते आ रहे थे कि एम्स में इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है, स्टेट कोटा होता नहीं है, लेकिन जो पहले एम्स में इंस्टीट्यूशनल कोटा होता था वो एज ए कागजों में ही होता था, प्रैक्टिकल में एडमिशन के टाइम में कुछ और सिस्टम ही था इसका, मतलब इतना फायदा नहीं मिलता था इंस्टीट्यूट वाले कैंडिडेट को। हालांकि 2001 से पहले ये काफी फायदा मिलता था, लेकिन 2001 के बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये जो रिजर्वेशन सिस्टम था, इंस्टीट्यूशनल कोटा था, ये नए के बराबर था। लेकिन अभी जो मई 22 में सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर दिया उसके मुताबिक इसमें अभी इंस्टीट्यूशनल कोटा भी रखा जाएगा। हालांकि ये रोस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा, पुडुचेरी में जो रोस्टर सिस्टम लागू है वही सिस्टम एम्स में भी लागू किया जाएगा। इसमें भी काफी शर्तें हैं, इसमें जो पुडुचेरी में जो रोस्टर सिस्टम हम देख के जब इसमें रिजर्वेशन का देखते हैं तो ये 18% या 15% रिजर्वेशन इसमें आता है, वो भी यूआर की सीट से ही निकाला जाता है इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए। तो ऐसे ही एम्स में होगा, एम्स में हम जो आशा कर रहे हैं वो 20% के नियर बाई ये कोटा रहेगा इंस्टीट्यूशनल कोटा। इसका सिस्टम अलग है, वो मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा कि इसमें रोस्टर सिस्टम में कैसा होगा, क्योंकि इसमें हर एक पांचवा जो बच्चा रहेगा या तीसरा चौथा या बच्चा रहेगा वो इंस्टीट्यूट का रहेगा, जो इसमें जितने भी सीटें होंगी। हालांकि जो सिस्टम एनबीई में, जो एनबीई के बाद में नीट पीजी में एमसीसी द्वारा काउंसलिंग करवाई जाती है, उनमें जो सिस्टम होता है डीयू आईपी बीएचयू और एमयू, उसका सिस्टम अलग है, उसमें प्योरली 50% सीटें इसमें निकाली जाती है। लेकिन ये जो सिस्टम रहेगा आईएनसीईटी में वो इंस्टीट्यूशनल कोटा का एक सेशन में 20% के नियर बाई रहेगा। तो ये इसलिए इसमें जो थोड़ा सा रिजर्वेशन सिस्टम भी होगा, कोटा सिस्टम होगा, तो ये एग्जाम फाइट करने के बाद में इसमें एडमिशन थोड़ा सा और भी टफ हो जाएगा। लेकिन आप नीट पीजी में एडमिशन ले सकते हैं, जो इंडिया के बाकी मेडिकल कॉलेज हैं, इन जो मैंने पांच आपको नेशनल इंपोर्टेंस इंस्टीट्यूट बताए, इनके अलावा जो पांच के अलावा और जो बाकी इंस्टीट्यूट है उसमें आप 50% सीट ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन ले सकते हैं और 50% सीट में एडमिशन स्टेट कोटा से ले सकते हैं। अब इनकी तैयारी मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूं कि इनकी तैयारी एमबीबीएस के साथ साथ करना आपको इसलिए जरूरी है कि नीट पीजी का आगे आगे जो कंपटीशन हो रहा है वो टफ होते जा रहा है। आप अगर एमबीबीएस के साथ साथ इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए टफ नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये टफ कैसे हो रहा है। हम मानते हैं ऑल इंडिया कोटा में 50% सीटें आती हैं स्टेट की, लेकिन उन 50% सीटों में जो डिजायर्ड ब्रांचेज हैं उनकी कट ऑफ आई जाती है, बाकी जो नॉन क्लिनिकल ब्रांच है या फिर जिनकी डिमांड कम है उनसे आप पीजी करना नहीं चाहेंगे, पीजी नहीं करना चाहेंगे, तो फिर उसका फायदा क्या है? उन ब्रांचों से आप पीजी करेंगे, आपका मन नहीं रहेगा पीजी करने का, तो फायदा नहीं है। तो जो डिमांडेड ब्रांच है, जैसे कि मान लो आपकी रेडियो है, इसकी जो डिमांडेड ब्रांच है रेडियो है, इसके बाद में डर्मा है, डर्मा के बाद में जनरल मेडिसिन है, हालांकि जो न्यूक्लियर मेडिसिन फैमिली मेडिसिन इनकी कट ऑफ भी काफी ज्यादा हाई जाती है, लेकिन इनकी सीटें कम होने से इनकी कट ऑफ हाई जा रही है। मैं यहां पर जनरल मेडिसिन ले रहा हूं, तीसरे नंबर की डिमांड जनरल मेडिसिन की काफी है। उसके बाद में बाकी ब्रांचेज आ जाती है, जैसे सर्जरी हो गया, पीडिया हो गया, ओप्टोल हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया, इसके बाद में एमएसएमडी की ही गाइनो हो गई। तो इस प्रकार की जो डिमांडेबल जो डिमांडिंग ब्रांच है वो आपको लेना जरूरी है, उन्हीं से ही आप पीजी करेंगे तभी आपको फायदा होगा, और उनसे पीजी करने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी रैंक लानी पड़ेगी ऑल इंडिया कोटा 50% के लिए, ऑल इंडिया कोटा 50% के लिए। तो इसके लिए आप मैं साथ बार बार यही एक चीज बोल रहा हूं कि आपको इसके लिए पीजी की तैयारी के लिए एमबीबीएस के साथ साथ ही पीजी की तैयारी करनी होगी, तब जाके आप ये कंपटीशन फाइट कर पाएंगे। कंपटीशन फाइट करना, आपके कम मार्क्स आ गए, आपको डिजायरेबल जो ब्रांच मिलेगी नहीं तो उसका फायदा क्या होगा, इसलिए आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये मेहनत आप एमबीबीएस के साथ साथ ही करो। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, जब भी आपको टाइम मिलता है
आप जब भी सचेत हो गए, मेरा जब ये वीडियो आपने देख लिया तभी से आप पीजी की तैयारी शुरू कर दो, चाहे आप कौन से ईयर में भी हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, पीजी, इंटर, किसमें भी हो आप, लेकिन पीजी की तैयारी शुरू कर दो। अब हम बात करेंगे कि 50% के लिए तो काफी सारी मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचेंगे मेरे लिए तो स्टेट कोटा से 50%, वहां भी कंपटीशन काफी ज्यादा है। स्टेट कोटा 50% के लिए भी आपके लिए, जब आप इंटर्न करने के बाद में पीजी की तैयारी करोगे तो आपके लिए काफी ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा। काफी ज्यादा टफ कंपटीशन इसलिए हो जाएगा कि काफी सारे स्टेट ऐसे हैं जो इन सर्विस कैंडिडेट को बोनस मार्क्स देते हैं। बोनस मार्क्स देने से स्टूडेंट जो ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं, जिनकी सर्विस 2-3 साल हो गई है, तो पर ईयर किसी का 10%, हम राजस्थान की बात करें तो पर ईयर इसमें 10% बोनस मार्क्स मिलते हैं। 10% का बोनस मार्क्स मैं आपको यहां समझा देता हूं, क्योंकि स्टेट कोटा में किस लिए एडमिशन ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 10% का मतलब है कि एक स्टूडेंट अगर 600 मार्क्स गेन करता है नीट पीजी में 600 मार्क्स गेन करता है, वो उसके बाद में उसकी 3 साल सर्विस हो गई, जो उसको मार्क्स मिलेंगे, बोनस मार्क्स मिलेंगे, वो 180 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 60 मार्क्स उसको एक ईयर्स का मिलेगा। जिसने एक ईयर सर्विस कंप्लीट कर ली है उसको बोनस मार्क्स 60 मिलेगा, 2 ईयर्स वाले को 120 मिलेगा, और 3 ईयर्स जिसने कंप्लीट कर लिया है, एक्सपीरियंस हो गया है उसका इन सर्विस, तो उसको 180 मिलेंगे। तो 600 उसके थे और उसको ये 180 मिला के टोटल 780 मार्क्स हो जाएंगे इसके। जब 780 मार्क्स हो जाएंगे तो ये जो जिसके 779 मार्क्स हैं, जिसने नीट पीजी में 779 मार्क्स लिया है स्टेट में, अगर वो इन सर्विस में है, उसको 3 साल का बोनस मिला है, तो उसको 779 मार्क्स वाले स्टूडेंट से पहले उसको सीट मिल जाएगी। 600 नंबर लाने, ये जो 779 मार्क्स ला रहा है उसको सीट बाद में मिलेगी, 600 नंबर वाले को पहले मिल जाएगी स्टेट में, क्योंकि उसको बोनस मार्क्स मिल गए, इसलिए स्टेट में भी थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। या तो फिर आपको सर्विस करनी पड़ेगी, या फिर 3 साल सर्विस के बाद एक्सपीरियंस लेके फिर आप स्टेट में कर सकते हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब ये था कि आप ऑल इंडिया से एडमिशन लेना चाहोगे आप पीजी में, तब भी आपके लिए टफ रहेगा, और स्टेट से लेना चाहोगे तब भी टफ रहेगा। फिर मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूं जिस बात को मैं कहना चाह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अगर पीजी की तैयारी करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, तो एमबीबीएस के साथ साथ ही आपको तैयारी करनी होगी। अब एमबीबीएस के साथ साथ आप तैयारी कैसे करेंगे? तो देखो, आजकल यूट्यूब के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, उनका आप कोर्स लेके साथ साथ वो एमबीबीएस के साथ साथ पीजी की भी तैयारी करवाते हैं। आपकी एमबीबीएस की भी इंटर्न की और इंटरनल असेसमेंट वगैरह जो होते हैं कॉलेज में और यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी भी हो जाएगी और साथ साथ आपकी पीजी की तैयारी भी हो जाएगी। ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म हैं, यहां मैं किसी को भी प्रमोट नहीं कर रहा हूं। काफी सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे प्रेप लीडर हो गया, मेरो हो गया, इनसे आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। अगर आप इंटर्न के बाद में करना चाहते हैं, डेम्स जैसे और भी काफी सारी कोचिंग है, उनसे भी आप ऑफलाइन कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यहां, फिर मैं उसी टॉपिक को दोहरा रहा हूं कि एमबीबीएस के साथ साथ आप पीजी की तैयारी करेंगे तो आपके लिए पीजी निकाल पाना आसान रहेगा। मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं कि अगर आप बाद में तैयारी करोगे तो कैसे पिछड़ जाओगे ऑल इंडिया कोटा में और स्टेट कोटा में। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपने कोई तैयारी नहीं की, क्योंकि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में बच्चा मेडिकल कॉलेज में जाता है, उसको कॉलेज से फेमिलाइज होने में काफी समय लगता है, 1 साल तो लग ही जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो है वो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट होते हैं एमबीबीएस के दौरान। उसके बाद में आप सेकंड ईयर में भी नहीं कर पाते हैं तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट होते हैं, उसमें एनाटॉमी होती है, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ये जो फार्मा है, तो इस प्रकार के जो सब्जेक्ट होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह, ये 6 सब्जेक्ट दोनों ईयर्स में नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इनके साथ में, आपने तैयारी नहीं की तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इंटर्नशिप, इसके दौरान आपको पीजी की तैयारी आप अगर कर लोगे तो आप अच्छी तरह से पीजी निकाल पाओगे और आपको अपनी डिजायर्ड ब्रांच मिल जाएगी। सेकेंड ईयर में कोई तैयारी नहीं की आपने, कोई बात नहीं, लेकिन थर्ड ईयर में साथ साथ जो क्लिनिकल आपके सब्जेक्ट हैं, ईएनटी है, ऑर्थो है, ओपथोल है, जनरल सर्जरी है, जनरल मेडिसिन है, तो इस प्रकार के जो सब्जेक्ट है उनके साथ साथ आप तैयारी करो। इनके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, इनसे कोर्स से आप परचेज कर लो, उसके बाद साथ साथ इसकी भी तैयारी हो जाएगी और आपको
पीजी की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि जब आप पीजी की तैयारी अगर आप इंटर्न के बाद शुरू करेंगे तो आपकी जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हैं वो आपके उनका रिवीजन नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको थोड़ी सी उस समय प्रॉब्लम भी आएगी। इसलिए आपको साथ साथ तैयारी करनी है पीजी की, जो क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल टोटल 19 सब्जेक्ट आते हैं पीजी के एग्जाम में, तो उन पूरे 19 सब्जेक्ट की तैयारी आप इंटर्नशिप करते करते आपने कंप्लीट कर लेनी है, और इंटर्नशिप कंप्लीट होते ही आपने पीजी का एग्जाम देना है। मैं श्योरली कहता हूं कि आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर से भी अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो आप आसानी से पीजी निकाल पाएंगे और आपको अपनी डिजायर्ड ब्रांच मिल जाएगी। मेरा इस वीडियो में आखिर बार कहना यही है कि एमबीबीएस के दौरान अभी आपने जो मस्ती करनी थी वो कर ली, अभी कोई मस्ती नहीं, अभी आपने अपने लाइफ के बारे में सोचना है आगे, क्योंकि आप अभी बच्चे नहीं रहे, आपको पीजी करना है, पीजी के बाद में डीएम एमसीएच करना है, सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स करने हैं और आगे आपको बहुत आगे तक निकलना है। वो समय चला गया है कि अगर आपने अच्छी तरह एमबीबीएस कर लिया तो आगे आपको स्पेशलिटी कोर्स या फिर पीजी करने की आवश्यकता नहीं है, वो समय निकल गया है। अभी अभी समय आ गया है आपको सुपर स्पेशलिटी कोर्स करके बहुत आगे तक जाना है। जो डॉक्टर्स बने हैं जैसे के अग्रवाल है, जो त्रिहान है, ये जो सर बने हुए हैं ये घर से तो सीख के आए नहीं है, इन्होंने मेहनत की है, आप भी मेहनत करोगे तो इन जैसा आप बन सकते हैं। ऐसी कोई लाइफ में चीज नहीं है जो आप करना चाहें और वो नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, आपको पिछला रिकॉर्ड देखने की जरूरत नहीं है, मेरे पिछले इतने मार्क्स थे, मैं तो ये कमजोर हूं, वो कुछ भी मायने नहीं रखता है। मैं आपको बता दूं, अगर एक 99% मार्क्स लाया हुआ स्टूडेंट भी मेहनत नहीं करता है तो वो पिछड़ जाता है, लेकिन एक 60% मार्क्स लाया हुआ स्टूडेंट भी बहुत आगे तक निकल जाता है। ये आपने सुंदर पिचई जैसे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, जो गूगल का सीईओ है, उनकी जो पर्सनल मतलब जो उनका प्रीवियस ईयर कैसा रहा है, उनका स्टडी ईयर कैसा रहा है, तो इस प्रकार के एग्जाम्पल बहुत है। मेहनत बहुत ही जरूरी है और मेहनत ही सब कुछ है इसमें। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर नॉलेजेबल, आपके लिए आगे मार्गदर्शन के वीडियो लेके आएंगे, मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा, जय हिंद।